ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਫੱਪੜੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਰਕਾਨੇ ਮੈਚ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਗਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਤੀ किस तरह बिल वाले का उनको मैं ये कहती हूँ मका भाई मका ये बता दे मका ना हमारी मका वो नहीं आती क्या सेफ सिटी क्या बोलते हैं हाँ वो लोग देख लगे की है तू वो ये देखो गाइस इससे ज्यादा वफादारी है इससे ज्यादा वफादारी है। गुड मॉर्निंग गाइस उठ चुके हैं 12 बज गए हैं क्योंकि उठना तो पड़ता ही है चप्पलों से उठा जाता है वरना या तो अलार्म से चढ़ा जाता है चिकी खड़ी हो ले भाई पेपर आज तो याद है आज मुझे याद है क्या बात है भाई ताली दे तुम ज्यादा ना है तो गाइस अभी निकलते हैं नाश्ते के लिए और फिर आपसे बातें करते हैं गाइस एक बार पौधे पे धार मारने आए थे अरे वो वाली धार नहीं पानियों की धार यार क्या कर रहे हो भाई तुम गलत मत सोचो एक बार डाल दूं मैं बेबुआ किस टाइम जाओगे कल मैं कल क्यों जाऊंगी आज जा रही हूं मैं क्यों क्योंकि आज जाऊंगी 2 तारीख ना उसका सीधा देख है और कल ऑपरेशन कल तो सुबह सुबह ऑपरेशन हो जाएगा 6 बजे तो दाखिल हो जाएगा सुबह के 6 बजे हाँ सुबह सुबह फिर हम किस टाइम जाऊंगे तो मैं बता दूंगा फोन करके अरे किस चीज का ऑपरेशन है यो निकलेगा गुर्दा पूरा का पूरा गुर्दा नहीं वो पित्त की थैली में पेट का ऑपरेशन होगा अच्छा रे है जी की मतलब एक दिन में तेरे हिसाब से कितने व्यूज होने चाहिए मतलब किसी भी यूट्यूबर के नए यूट्यूबर के बता जरा दो एक तेरा खुद का अरे मोटा दिमाग हो रहा था जिस तरह नया चैनल बनाया था एक दिन में कितने व्यूज आने चाहिए लगभग लगभग 500 तू बना के दिखा नया चैनल मेरे तो बनाते ही ना मैं भी बना लूं अरे आज का पेपर का दिखाइए केक कर का आओगी तू चीटिंग दिखाई चीटिंग दिखाई एक बार लोग आते दिखा ना एक बार दिखा तू अरे तू दिखा ना अरे भाई पर रे गए तेरे कितना दिखा एक बार दिखा तेरी गाइस ये देखो मैथ के पेपर में भी चीटिंग कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल टोटल सरफेस एरिया रेगुलर पता ना क्या क्या सरफेस एरिया तो मेरे तक ही उम्मीद कर रहा है भाई ये याद थे हमने एक टाइम पर मुझे मानी याद है तो रिवीजन करने के लिए लेके जा रही है उसमें पेपर रिवीजन करती रहोगी है टॉयलेट में जाके देखूंगी एक बार गलत तो ना लिख रही हूँ मम्मी का सब इतने पेपर करे मैं हर बार लेके गया हूँ चिट पर मैंने देखी नहीं है मम्मी का सब थारी वजह था ना स्कूलों में बाथरूमों में कैमरे लगाने पड़ रहे हैं झूठा हाँ पर वो बच्चे ये लगा दे स्कूल वाले गाइस ना धो के निकल लिए और ये देखो ये काम वाली मैडम क्योंकि गाइस ये काम भी करती है और बच्चों को पढ़ाती भी तो मैडम भी होगी तो काम वाली मैडम गाइस ये भी काम वाली है लेकिन ये अभी बच्चों को पढ़ा रही है ये इस व्लॉग में मत करिए बच्चे मैं मारूंगी गाइस ये इनकी असलियत है ये देखो ये सुंदर सुंदर बन के फोटो खिंचवाती है लेकिन ये गाइस इनकी असलियत है लोगों की ये ऐसे झाड़ू मारते चलो भाई किस चलेगा है ठीक है ऊपर है पापा भी ऊपर है आज का पेपर है जाओगी अभी नजारी पर चलो भाई किस गया था क्या पेपर गया था के करण फॉर्म भरवा गया था बीएसएफ का बीएसएफ का के कौन सी सिक्योरिटी फोर्स बताइए एक बार फुल फॉर्म बताइए फुल फॉर्म बता कौन है वो फुल फॉर्म तो बता बीएसएफ की मना कर रहा मेरा बस गाइस ये लड़के जिनको बीएसएफ के फॉर्म तो भर दिए पर फुल फॉर्म नहीं पता भाई क्या होगा हमारे देश का चिंटू बता दे कुछ ना हो यार बेकार में चल गया भाई भाई लड़कियों के बारे में बता रहा भाई यार क्या हो गया आजकल की लड़कियां लॉयल क्यों नहीं है चिंटू भाई क्या हो रहा है बता भाई चिंटू क्यों नहीं होती बता भाई आज तो बता दे बस के बताओ
क्या हो रहा है हमारे देश की, क्या हो रहा है? लड़के सारे वफादार होते हैं, लड़कियां धोखा क्यों देती है? मुझे आज जानना है, ये जानना है, मुझे जानना है। पार्ले जी बिस्कुट नहीं खाती ना लड़कियां, इसलिए वफादार नहीं होती। वो कुत्ते पार्ले जी बिस्कुट खाते हैं। कुछ भी ये बात है। तो गाइज ये आज एक नंबर का बात बताइए, पार्ले जी बिस्कुट जो लड़की खाएगी उससे ही शादी करनी चाहिए, क्यों भाई? ठीक है, ऐसे ही करेंगे, वफादार होगी जिसके पास जी लगे। कल भाई मैं बैठो खेलने लग गया था, कल 20 रुपए जीत गया था मैं, कल तुम मोज खान भी नहीं आया, तो हमने 20 रुपए का स्टिंग पी ली थी। तो कहीं ना थी, फोन मैसेज आ गया था। हाँ तू पर वहाँ चला गया था ना बेटा, बुकिंग कर रहा था, तू करवा रहा था कैमरे की बुकिंग पे भाई। हाँ कैमरे की बुकिंग भाई, और के बंदे समझ गए और तू गलत ना समझते, बंदे सारे सही समझे भाई, कोई कोई गलत समझ ले। मैं नहीं नहीं गाइस, ये काम पे जा रखा था, सही वाले काम पे, कैमरे के फ्यूचर फोन ना उठाओ इस टाइम पर। क्यों? एक बजे क्लास होगा ना। हाँ क्लास पे होगा, एक एक बजन बजन वाला है, सिर्फ 10 मिनट। आज शाम में इतना जाना कितने दिन खेल लिए बैट पर, आज शाम में आ जाएगा तू। तो गाइज आज शाम को होएगा बहुत खतरनाक मैच, कल भी हम जीते थे, परसों भी जीते थे, और आज भी हम 100 रुपए तो जीत के जाएंगे गाइज। आज 50 रुपए मेरी जेब में, 50 के 150 कर दूंगा आज मैं, पैसा ही पैसा होगा। आइए देखो मोटा पैसा आ गया है इनके पास, ये लीची लेके आया है। क्यों भाई? स्ट्रॉबेरी है, लीची ना। अच्छा स्ट्रॉबेरी लीची, ओहो गाइज ये स्ट्रॉबेरी है या लीची है गाइज? क्योंकि हमने तो कभी खाई नहीं ना, हम गरीब आदमी, गरीब हो ना तुम इसलिए। गाइज देखते हैं एक बार, खा के देखते हैं इसको कैसी है, मीठी होनी चाहिए। मीठी नहीं है, खट्टी है। अरे तो कैसी बिना यार, खट्टी है, खा के देखियो। अरे देखो कैसी शेप है ये, इसको देख के तो कुछ याद आ गया। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं क्या याद आ गया सारे ओके का ऐसा कि भाई बैठ जा, पंचायती सा हो जाए थोड़ी है ना, बातचीत हो जाए। तो यो है, यो ऐसे ही करोगा इस, आजकल थोड़ा हवाबाजी ज़्यादा रहेगी और असली ज़्यादा वो कम रहेगा ना, बंदे हवाबाज ज़्यादा आजकल, जैसे कि यस ये है। अगर आपको बंदों को जानना है, बैठना है बंदों में, तो ये पीना पड़ेगा। लेकिन गाइज हम तो पीते नहीं है, क्यों भाई चिंटू? तू भी नहीं पीता, हम भी नहीं पीते गाइज, हमारा वैसे ही भाईचारा है। ठीक है तो भाई, वो एक बार घर आ गया था मैं, तो अभी पीयूष आएगा, एक शॉट लेना है हेरा फेरी का, हमारी वीडियो चल रही है शूटिंग भाई, उसमें ना यार वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा यार बनने में। ठीक है तो थोड़ा सा वेट दिखाना, ठीक है? तो थोड़ा मतलब टाइम लगेगा कि बनने में उसको, एडिट होने में, क्योंकि वो बड़ी वीडियो है, मतलब आधा घंटा 40 मिनट तो उसको लगेंगे वीडियो, मतलब होगी वो इतने मिनट की, तो उसको लगेगा थोड़ा, एक महीना तक तो लगेगा उसको। अब अभी तो मैं हमारे 3-4 सीन मैंने मतलब कंप्लीट कर लिए, शायद हमने एक आज हो जाएगा सीन, मतलब उसमें मैं ही हूँ, तो बैठे बैठे हो जाएगा वो। ठीक है तो अभी वो आएगा, करते इतने खाना खा लेते हैं। नहीं भाई सही है, सौरभ जोशी मतलब गणे व्यूज आ रहा है, मतलब एकदम तो नहीं, मतलब जिस तरह डालते हैं मिलियन व्यूज, तो उसके आने आने हैं। नहीं लोग बैठे रहे यार, मेरा ना ब्लॉग डाला, ओ बल्ले ब्लॉग आ गया, ब्लॉग आ गया भाई, पागल से हो जा, लोग देखते हैं उसका यार मतलब, यार मतलब कई बार मतलब कुछ मतलब ढंग का इंटरेस्टेड भी ना होता यार, मतलब फिर भी लोग मतलब देखे यार, हम कितना इंटरेस्टिंग दिखा दे रहे हैं, थार में गाइस जा रहे हैं, गाइस स्पोर्ट्स में पैंट मांग दिया, कुछ भी कुछ भी है भाई। लेकिन है, लेकिन लोग है ना कि जिस तरह लोग और जुड़ जाने, लोग ना बंदे ने पसंद करने लग जा, तो फिर वो कुछ भी करेगा, आग भी आग के उस पर पुदीना भी डाल देगा ना, तो लोग उसे सपोर्ट करेंगे, पर छोटे क्रिएटर ना करते भाई सपोर्ट, पता नहीं क्यों ना करते। कौन हमारे बंदे भाई, हमें भी सपोर्ट करो भाई, हमें भी लाइक, हमारा भी चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो भाई, हम भी कभी ना कभी कुछ तो बनेंगे नू थोड़ी यार, हम जिंदगी भर यहीं इधर से उधर घूमते रहेंगे, क्यों भाई पीयूष बता। और भाई यार जब तक हमारे पास कुछ आ होगा ना, जब तक हम कुछ करेंगे कैसे भाई, जिनका तुम वीडियो देख रहे हो, कब तक रहोगे यार, कब तक कंटेंट लाओगे? हाँ हमारे दिमाग में कंटेंट हम लाओगे तेरे आगे। हाँ सपोर्ट करो यार, क्या कर वीडियो देख रहे हो, सपोर्ट करो, करो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा चैनल, ठीक है भाई? कौन है किस तरह बिल वाले का? ये बता दे मकाना हमारी, मकान वो नहीं आती क्या, सेफ सिटी क्या बोलते हैं? हाँ वो लोग देख लगे। हाँ बस अंशु बुआ बहू। अच्छा अच्छा इसीलिए डाली होगी, भी यही बकरा था कि इसको कह रहा था बड़ो अपने को नहीं डालता रहे। अच्छा ये तो करता ही रहा है।
मैं ना कुछ बुक करूं, मैं तो यही मने ही बिठा के ही बाहर जा। बस ओला में ओला कर लो। क्यों ला पैसे? मैं पागल हूं कि मेरे बावड़ी पूछ चुके मैं। 300 रुपए में हो जाएगी सागरपुर। ओला करूंगी यो सागरपुर। 300 रुपए में फड़ला ले जाऊंगी अपने। फड़ ले जाओ। ऐसी बावड़ी ना हूं मैं। मारे भगवान ने हाथ पैर कंधे भी मजबूत दे रखे हैं। सामान ज्यादा है यहाँ से उतरूंगी। सामान तो उतना ही है यहाँ से उतरूंगी। क्यों क्या है कि मैं तो वहीं से बैठ के ना नहीं वहां से फिर रिक्शा कर लूंगी। अब तो बस और क्या, बस जो उतरती हूँ ना मैं। अभी कुत्ते ले ले बोल ले ले गाइस। कुत्ते ही है जो वफादारी दिखा सकते हैं हमें। कुत्ते के अलावा कोई वफादार नहीं होता, ना ही दोस्त वफादार होता है। ये देखो गाइस, इससे ज्यादा वफादारी ये है, इससे ज्यादा वफादारी ये है। ये तो होते वफादार, आपको पता ही है इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। ये रोटी खा लीजिए। दे दे भाई रोटी, दे देगा तो तेरा भला हो जाऊंगा। गाइस को एक रोटी दे देते हैं, फिर ये हमारे व्लॉग को वायरल करवा देगी। दे दे भाई। मुक्की बोल रहा है यार। तारे घर के बाहर बाहर बैठे हैं। जब तक मरक्के चले ना तो पिल्ली खाओगे यार। जब तक चला नहीं जाऊँगा ना मैं। गाइस पुण्य कर दिया है पीयूष ने। हाँ के गना माचेगा के? की है तू? की है तू वो? ना बता दे के किसकी आवाज़। हम तो बता दे। मैं भाई मैं खुद अपनी आवाज़ हूँ। बहू है? देखा ये बहू की आवाज़। कल खूनी दस्त की दवाई लेने आ रहा था यो। कित विजय की दुकान पे के बार पीली गोली दे दो। गोलन की तबीयत खराब हो रही है ना इसलिए। तो गाइस आ गए बैट बॉल खेलने और मैंने पहली बॉल पे 2 रन ले लिया और दूसरी बॉल पे 4 रन, तीसरी बॉल पे भी 4 रन गाइस, और चौथी बॉल पे ओह माय गॉड ये क्या सिंगल था क्या पता नहीं, लेकिन ये छक्का जरूर था, क्या बात है। और गाइस यहाँ पे मैंने हिमांशु को रन आउट करवा दिया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। गाइस क्रिकेट खेलने में ना अलग ही मजा आता है पता नहीं क्यों, और यहाँ पे ये जो अपनी छुपाड़ है इसमें तो कुछ अलग ही मजा आता है। ये देखो गाइस आकाश के मजे लिए जा रहे हैं। आकाश बहुत रोता है गाइस। और ये चल रही है और हमारी सेकंड इनिंग आ चुकी है, बॉलिंग आ चुकी है। हिमांशु ने कैच छोड़ दिए हमेशा की तरह। गाइस मजा बहुत आता है सारे भाई जब खेलते हैं, बस दूसरे एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। प्यार है लेकिन नफरत है थोड़ी सी। नहीं गाइस नफरत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है गाइस। सारे भाई आते हैं, अच्छा लगता है ना गाइस सारे भाई भाई खेलते थे। और ये हिमांशु की बॉलिंग गाइस कुछ समझ नहीं आती गाइस, वाइड बॉल फेंकता है। भाई पहला मैच हार चुके हैं गाइस, भाई कैसा लग रहा आपको हार के? बहुत बढ़िया। चलो भाई एक और विकेट ले गए भाई। कैच है। अरे यार यो शॉट यो ले लिया भाई। मेरे को व्लॉग बंद करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अभी मैं देखो 12:30 बजे हुए हैं रात के। क्या हुआ मैं वहाँ से बैट बॉल खेल के आया, मैं आ रहा था ना मेरी आंखों में मच्छर चला गया यार। और भाई माँ कसम ऐसा लगा कि मेरी आत्मा निकाल ली किसी ने भाई। कहते ऐसा लगा कि ऐसे मेरे ना वहाँ पे ना मतलब वहाँ पे नहीं यार मतलब मेरे को छुरे घोंप दिए किसी ने यार। इतना दर्द हुआ मेरी आँख देखो अभी लाल होगी, मेरी आँखों में आपको फ़र्क दिख रहा होगा। नींद की वजह से नहीं है, नींद मेरे को नहीं आती। एडिटिंग करूँगा अभी टाइम लगेगा, मेरे को नींद नहीं आती। बस ये आँख जो हो रखी है ना ये उसी की वजह से हो रखी है, वो सारे मच्छर ने ना मेरी है ना बड़ा गुस्सा आएगा। इस बड़े दीवारें मुक्के मारे मैंने मार्क्सम। तो गाइज यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं अपना 12:30 बजे। मानता हूँ टाइम ज़्यादा हो गया है लेकिन गाइज देखो डेडिकेशन है पूरा, रोज व्लॉग डालना है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।